की सरकार के बाद में बाड़ाबंदी भी, बाड़ा भी एक प्रचलित शब्द हो गया जो कांग्रेस को ठीक से रास आता है। अब उनको यदि शोले फिल्म के गब्बर सिंह की तरह बीजेपी का डर लगता है सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा, तो इसका तुम्हारे पास क्या इलाज है। राजस्थान के अभी 1000 से ऊपर खासतौर पर अधिकांश विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करने का काम पार्टी ने अपने स्तर पर शुरू किया है। 100% विधायक ये आज या कल में ये फोन वापसी कर देंगे, इसका निर्णय भी हो गया था, इसलिए पार्टी में इसको लेकर किसी तरीके का गतिरोध नहीं है कि युद्ध के हालात हैं और अनायास ही ये हालात उत्पन्न हुए और उसमें जो भारतीय और राजस्थानी प्रवासी विद्यार्थियों से लेके बाकी तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उनकी चिंता केंद्र सरकार को और पूरे देश को, पूरे प्रदेश को है। लेकिन हालात अलग किस्म के हैं, फिर भी कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके से देश और प्रदेश ने मिलकर सब लोगों के लिए स्वदेश वापसी सुरक्षित की थी वंदे भारत मिशन के जरिए, भारत की सरकार ने, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, 4 मंत्री पड़ोसी देशों में डेप्यूट किए हैं और आज से वायुसेना भी इस ऑपरेशन गंगा में शरीक होगी। ये समय संयम का और हौसले का है। पार्टी ने भी एक हेल्पलाइन जारी की है, उस पर क्वेरी आती हैं और हम लोग उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और पार्टी की केंद्रीय हेल्पलाइन को भेजते हैं। जितना भी है संभव है संपर्क में भी हैं, क्योंकि हालात प्रतिकूल हैं, फिर भी एक दृश्य लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी देखा है कि तिरंगे को देखकर वहाँ उनको सम्मान भी मिलता है और उनको रास्ता भी मिलता है। कामना करेंगे कि इसमें सब लोग चिंता करते हुए अच्छे सकारात्मक सार्थक प्रयास करेंगे और इस प्रतिकूल परिस्थिति से कम भारत के लोग स्वदेश वापसी जल्दी करेंगे और सुरक्षित तरीके से करेंगे। अब तक राजस्थान सरकार के पास लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग राजस्थान के अभी 1000 से ऊपर खासतौर पर अधिकांश विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करने का काम पार्टी ने अपने स्तर पर शुरू किया है। स्वदेश आने के बाद में राजस्थान की सरकार ने भरोसा दिलाया उनको गंतव्य पर पहुंचाने का, तो मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि जिसमें युद्ध के हालात में युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक कामना की जा सकती है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में सब लोग ये मंगल कामना करें कि हमारे सब लोग सुरक्षित रहें। बिजली का बड़ा संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है, अघोषित चालू हो गई है, 2 से 4 घंटे की गांवों में, कस्बों के अंदर, और मेंटेनेंस के नाम पर भी बिजली कटौती हो रही है क्योंकि कोयला इनके पास में पूरा है नहीं, प्लांटों में तो कम कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। ये क्राइसिस बहुत अरसे से है और सरकार को बहुत पहले चेता भी दिया गया था और इन सारी परिस्थितियों से सरकार वाकिफ भी थी, लेकिन जो गतिरोध कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के बीच में था उसका यथासमय निराकरण हुआ नहीं, जबकि भारत की सरकार ने बहुत पहले इसकी इजाज़त दे दी थी। और जो घोषणाएं और दावे किए गए इसमें बहुत लंबे अरसे से एक जिस तरीके की लापरवाही शिथिलता दिखी थी उसको अघोषित कटौती से लेके आपूर्ति से लेके तमाम पक्षों को, राजस्थान की सरकार को, वितरण प्रणाली की उन निगमों को, मुझे लगता है कि वार फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। राजस्थान भी और वो चाहे तो अपना पुराना जो फ्लैट है, लैपटॉप है, आईफोन से लौटा सकते। देखिए ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मसला नहीं है, पार्टी के विधायक दल ने अपने इनिशिएटिव पर यह फैसला लिया था और 100% विधायक ये आज या कल में ये फ़ोन वापसी कर देंगे, इसका निर्णय भी हो गया था, इसलिए पार्टी में इसको लेकर किसी तरीके का गतिरोध नहीं है। दूसरी बात, विधायकों को जो डेस्कटॉप दिए जाते थे या लैपटॉप दिया जाता था वो विधायक बनने के बाद सबको ही मिलता था। जो आवासन मंडल के मकान हैं लगभग ऐसे मकान थे जो बरसों से बिक नहीं रहे थे, आवासन मंडल ने ही ये पहल की थी
और ये सारे मकान मुफ्त नहीं हैं, ये मकान उनके किस्तों पर हैं, उसके लिए सभी विधायकों ने लोन भी लिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आईपैड को लौटाना और आवासन मंडल के मकान, ये ज़रूर है कि आईपैड पिछली बार सरकार ने दिए थे, लेकिन पिछले बार का मसला था उस पर विधायक दल में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी ने, मैं पहले कह चुका हूं कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और दुनिया का तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, और अभी सरकार ने भी उसको उद्योग का दर्जा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का फोकस बाकी पर्यटन पर नहीं होकर राजनीतिक पर्यटन पर ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की सुरक्षा के साथ साथ जो पड़ोसी राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो भली भांति निभाने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं, क्योंकि उनको आलाकमान को भी खुश करना है और उसमें जो बड़ी पूंजी लगने वाली है उसकी व्यवस्था भी करनी है। तो इसलिए बाहर से आने वाले उन विधायकों की, और आजकल तो ये पहले शिविर कहे जाते थे, कैंप कहे जाते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के बाद में बाड़ाबंदी भी, बाड़ा भी एक प्रचलित शब्द हो गया जो कांग्रेस को ठीक से रास आता है। अब उनको यदि शोले फिल्म के गब्बर सिंह की तरह बीजेपी का डर लगता है, सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा, तो इसका तो हमारे पास क्या इलाज है।